देखिए हाई स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के बाद एक बार फिर देखिए मैं हाई स्कूल का गणित त्रिकोणमिति से स्टार्ट करूंगा। उसमें आपको पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन कुछ बच्चे बाद में ऐड हुए हैं ग्रुप से तो उनको नुकसान है, इसलिए इसमें आप लोग दोबारा से देखिए। लेकिन आप इस बार मेहनत से देखिए और लगन से पढ़ना पड़ेगा आपको। ये नहीं हम बार बार पढ़ा रहे हैं, बच्चे हमारे नहीं ध्यान देते हैं, तो आज एक बार फिर से देखिए। आपका है कि त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात में हमको एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होती है, एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होती है। तो ए बी सी एक हमारा समकोण त्रिभुज है, जिसमें सी क्या हमारा सी समकोण है, सी हमारा क्या है सी समकोण है, समकोण मीन्स 90 अंश का है। तो त्रिभुज एबीसी जो एक हमारा समकोण त्रिभुज है उसमें सी क्या है सी समकोण है। देखिए अगर बी पर एंगल थीटा बनता है, बी पर कोण हमारा थीटा बनता है, तब अगर ये हमारा कोण बनेगा तो कोण के सामने हमेशा लंब होता है, हमारा ये क्या हो गया ये लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया बीसी, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण हमारी है एबी, ये कर्ण हो गया। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है एक मालूम पड़ेगी, दूसरी भुजा देखेंगे तो कोण के सामने लंब होता है हमेशा, ये कोण बनेगा तो लंब ये हो गया, आधार बचा या तो आधार हो गया। अगर कोण आपका यहां बनेगा, अगर कोण यहां बनता है तो कोण के सामने लंब ये आपका लंब हो गया, ये आपका कोण हो गया, फिर आपका आधार ये कहलाएगा। तो ध्यान रखिए हमेशा यदि कोण आपका बी पर बनेगा ये थीटा बनता है तो लंब सामने हो गया एसी हो गया एक कर्ण हो गया और बचा आपका आधार ज्यादा हो गया। अगर कोण ए पर बनता है तो कोण के सामने लंब लंब ये हो गया एक कर्ण हो गया ये आपका आधार हो गया। तो सारा बात यह है कि कोण के सामने भुजा हमारी लंब होती है, तो हम पहले कोण बी पर बनाते हैं तो लंब आपका ये हो गया आधार ये हो गया कोण आपका ये हो गया। और त्रिकोणमिति अनुपात में आपके छह संकेत होते हैं, क्या होते हैं छह संकेत, नंबर एक साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन छह अनुपातों पर हमारी पूरी त्रिकोणमिति का लेखा जोखा है। तो उसमें आप लोग देखिए इनका क्या संकेत है कैसे है। देखिए पहला आपका है साइन थीटा, आपका एंगल बदलता रहेगा, कहीं थीटा है कहीं फाई है कहीं ए आ जाएगा कहीं बी आ जाएगा, लेकिन इनके सूत्र हमारे सेम क्यों के क्यों रहेंगे। तो साइन थीटा हमारा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा ये होता हमारा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कॉस थीटा ये होता है आधार बटे लंब होता है। अब होता है आपका सेक थीटा, ये होता है कर्ण बटे आधार। एक होता है आपका कोसेक थीटा, ये होता है कर्ण बटे लंब। यानी हमारे छह होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ये आपके बनते हैं एंगल का, कहीं साइन आ जाएगा कहीं साइन बी आ जाएगा कहीं साइन सी आ जाएगा, लेकिन इनके ये फॉर्मूले सेम क्यों की क्यों रहेंगे। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है तो होता है, चाहे साइन थीटा हो चाहे साइन फाई हो चाहे साइन ए हो चाहे कुछ भी हो, तो आपके वो ये क्यों की क्यों रहेंगे। तो ध्यान रखेंगे साइन साइन अगर याद आप कर सकते हैं तो साइन पॉइंट होता है कुछ है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो कुछ होता है कर्ण बटे लंब। कॉस
आधा बटे कर्ण इसे उल्टा होता है sec थीटा, ये क्या होता है कर्ण बटे आधा, और tan कौन होता है cot, tan है लंब बटे आधा, तो cot दिया का आधा बटे लंब होता है। ठीक है, इसमें क्या है आपका कि लाल बटे कक्का चलता है, लाल बटे कक्का। एल मीन्स क्या संकेत है, लंब हो जाएगा, ए का मतलब है आधार और के का मतलब है कर्ण। तो इन पहला चल है अंश में एल हर में के, तो एल अपॉन के लाल बटे कक्का, एल क्या है लंब, के मीन्स क्या है कर्ण, आपका साइन बन गया। अब दूसरा ले अंश में ए आधार, के मीन्स कर्ण, आधा बटे कर्ण कॉस बन गया। तीसरा है एल लंब बटे आधार, क्या बन गया टेन बन गया, इनका उल्टा हो जाएगा तो आपका कोट बन जाएगा और सेक बन जाएगा आपका कोसेक थीटा बन जाएगा। तो ये मतलब हुआ कि एल अपॉन के लाल बटे कर्ण साइन हो गया, आधा बटे कर्ण कॉस हो गया, और एल अपॉन ए लंब बटे आधार आपका टेन हो गया। इनको उल्टा करते हैं करके टेन को उल्टा कोट और कॉस को उल्टा सेक और साइन को उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो आपके फॉर्मूले आराम से याद कर सकते हैं, आपके ये समझ में अवश्य ही आ गया होगा। अब आप देखिए कि साइन थीटा ये होता है वन अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा ये होता है वन अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा ये होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा ये होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, सेक थीटा ये बटे साइन थीटा, और सेक थीटा ये होता है एक बटे कॉस थीटा। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये आपके फार्मूले, इससे अगली वाली में प्रश्नावली में आएंगे, ये ध्यान करें साइन थीटा वन अपॉन कोसेक होता है, और यहाँ देखिए कोसेक वन अपॉन साइन होता है, कॉस थीटा वन अपॉन सेक होता है, तो सेक थीटा वन अपॉन कॉस होता है, टेन साइन बटे कॉस होता है, तो कॉट कॉस अपॉन साइन होता है। ये तात्पर्य हुआ कि साइन और कोसेक आपस में उल्टे होते हैं, साइन वन अपॉन कोसेक है तो कोसेक वन अपॉन साइन होगा, और कॉस वन अपॉन सेक है तो सेक वन अपॉन कॉस होता है। इसी के द्वारा ये आपके फार्मूले याद कर लें, मैंने आपके फॉर्मूले ये वाले, ठीक है ना, तो आपके समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए इतना आप रेडी करें, इसमें एक और आपका आता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आपकी समकोण त्रिभुज पर डिपेंड है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में सब बच्चे हमारे जानते हैं पिछली कक्षाओं में कि पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो आपको हो गया कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसमें क्या होगा कि संपूर्ण त्रिभुज में आपकी दो भुजाएं दी होंगी और तीसरी भुजा आपको इसी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों भुजा आपको निकालनी पड़ेगी तब अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कर्ण दिया है लंब दिया है आधा निकालना है, इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैंने आपका यह है पाठ्यपुस्तक में कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इससे हम लोग त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई होंगी तो तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इस पर सवाल देखिए, तो सवाल इसका देखिएगा, और पहला है माना के सी समकोण है, सी हमारा
समकोण है और एबी बराबर हमारा दिया गया है 5 cm और एसी बराबर हमारा दिया गया है 4 सेमी। तो इसे हम एंगल बदल दें तो मान निकालिए साइन बी का मान निकालना है और टेन बी का मान निकालना है और साइन ए का मान निकालना है और कॉस ए का मान निकालना है। ठीक है, इन सवालों को करने के बाद आप इस प्रश्नावली जो आपकी है 1.1 उसे कर सकते हैं। इसका सवाल देखिएगा, साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, टेन बी निकालना है, साइन बी निकालना है। अब हम देखें कि इसी को यदि मान लें, यदि इसी को हम इसी त्रिभुज को मान लिया जाए कि सी समकोण है, सी समकोण है, ए भी मेरा 5, ये मेरा 5 दिया गया है, ए सी 4, ए सी मेरा 4, ये 4 से यहां दिया गया है, तो बीसी निकालना है। तो हम पहले बीसी निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय को देखिएगा, क्योंकि ये मैं सवाल आपको पहले करा चुका हूं तो इसको आप दोबारा देख लें, आपके समझ में अवश्य आ जाएगा, अब की बात आराम से करिए। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से अभी आपको बताया था, ये होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब जो जो पहलू दिया है वो पुट कर दे, कर्ण 5 तो 5 का वर्ग, लंब 4 का वर्ग, धन आधार निकालना है। अब आप वर्ग तो कर सकते हैं, 5 का वर्ग 25 बराबर 4 का वर्ग 16 धन आधार का वर्ग 16 को ट्रांसफर कर दें तो 25 माइनस के 16 बराबर आधार का वर्ग 9 बराबर आधार का वर्ग दिया गया है और 9 होता है हमारा 3 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, वर्ग हमारा हट गया काउंटर से, तो आधार बराबर आता है प्लस माइनस का 3, लेकिन हम हमेशा से पॉजिटिव मानते हैं, आधार हमारा 3 आ गया, ये हमारा आधार 3 से ही आ गया। अब आपको तीनों भुजाएं मालूम है समकोण त्रिभुज में तो आप इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं। आइए साइन बी, साइन मिलेगी, अब बी आपका यहां पर है तो कोण ये तो बनेगा, तो ये कोण है तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण आपका ये होगा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और लंब आपका कितना है 4, कर्ण कितना है 5, आपका मान आ गया साइन बी का 4/5, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा है टेन बी, टेन ये होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 4, आधार 3, ये आपका आंसर हो गया। अब साइन ए, साइन ए, अब ए आपका यहां पर है, जब ए यहां एंगल बनेगा तो आपके लंब आधार बदल जाएंगे, ये लंब होगा क्योंकि हमने आपको बताया था अभी कि कोण के सामने हमेशा लंब होता है, लंब ही हो गया, कर्ण ये दिया है तो आधार आपका ये होगा ना, तो साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, ये आपका आंसर हो गया। अगला है कॉस ए, ए मतलब ये आपका एंगल है, कॉस ए आधार बटे कर्ण, ये कौन ए है, लंब ये, आधार ये, तो आधार
4/5 आंसर। तो आपके सवाल बहुत आसान है, ये ध्यान रखिए कि आपके एंगल बदल सकता है, किसी में ए दिया है, किसी में बी दिया है, किसी में पी दिया है, किसी में आर दिया है, किसी में कुछ दिया है, लेकिन आपके फार्मूले वही रहेंगे। केवल पाइथागोरस त्रिभुज लगाइए और समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम करके उसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अब आपका ये सवाल हो गया, आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे पुनः एक बार आपको त्रिकोणमिति करा रहा हूँ। जो बच्चे ऐड नहीं थे वो लोग से ऐड हो गए हैं और अपने से फेयर भी करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।